ऐसा था कि जैसे मैंने उस दिन कहा था कि चार दिन हमने एक प्रयोग के तौर पे इंदौर खोलने का आग्रह किया था प्रशासन से, और चार दिन में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि जिसके कारण जो इंदौर को खोला हुआ है उसको वापस बंद किया जाए। और इसलिए आज हमने प्रशासन से आग्रह किया कि जो खुला है इंदौर वो खुला ही रहे, और हम व्यवस्था बनाने का प्रशासनिक स्तर के ऊपर चिंता करें। पार्टी का इसमें प्रशासन को पूरा सहयोग रहेगा, जो कुछ भी वो योजना बनाएंगे उस योजना में पार्टी के लोग भी उनकी मदद करेंगे। दूसरी बात, मैंने कहा कि कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे स्वाभाविक रीति से रश होता है, जैसे चौथराम मंडी के सामने वाली जो पट्टी है, राजवाड़ा है, तो यहाँ पे प्रशासन भी मुस्तैद रहे और हम भी कुछ कार्यकर्ताओं को वहाँ पे ये जवाबदारी देंगे कि उनका सहयोग करें ताकि ये व्यवस्था ठीक ढंग से लागू हो सके, किसी को तकलीफ भी ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग बाकी बातें भी खराब ना हो। और इसलिए आज हमने ये आग्रह किया था और उसको प्रशासन ने स्वीकार किया है, इसलिए इंदौर जो 4 तारीख तक खुला है वो आगे भी खुला रहेगा। अधिकारियों से मिला भाई साहब, क्या जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अब तैनात होंगे शहर शहर और चौराहे चौराहे? नहीं नहीं, इसमें सामाजिक संगठन भी होंगे जो व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे, उन सब लोगों का उपयोग किया जाएगा, उन सब लोगों का सहयोग दिया जाएगा। हम कह सकते हैं कल से किसी तरह का कोई लॉकडाउन नहीं रहेगा? हाँ, पूरी तरह से अनलॉक, हाँ पूरी तौर से अनलॉक रहेगा इंदौर। और मैंने जैसा कहा कि स्वाभाविक है कि लोगों ने नियमों का पालन करना चाहिए, और वो नियमों का पालन करने के लिए जागरूकता का भी काम प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों चलाएंगे। धन्यवाद। नहीं, अगर वो संख्या बढ़ेगी तो फिर उसके ऊपर वापस विचार करेंगे, हम लोग मिलते ही रहेंगे, और अगर ऐसे कोई क्राइसिस निर्माण होता है तो उसके बारे में पुनर्समीक्षा करेंगे।